उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद घंटों ड्रामा चलता रहा। काफी मान मनोबल के बाद युवक टंकी से उतरा। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का है, जहां टेरा निवासी कुलदीप इसलिए टंकी पर चढ़ गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको तलाक देने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वो गुस्से में पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से कूद जाने की धमकी देने लगा। आसपास के लोगों ने कुलदीप से पानी की टंकी से नीचे उतरने के लिए गुहार लगाई, लेकिन वो बार बार टंकी के ऊपर से कूदने की धमकी देने लगा। मैं एप्लीकेशन देने गया था, कोई सुनी नहीं रहा था। आगे का क्या मामला है, जैसे कोई बताया? आगे का मेरे मैंने कहा था मुझे जाता है तो डिवोर्स दिलवा दीजिए, कोई सुनी नहीं रहा सर। मैं एप्लीकेशन देने गया था, मुझको उल्टा बंद करके मारा। आपका पति पत्नी का कोई विवाद है क्या? जी जी हाँ, पति पत्नी का। तो क्या पत्नी कह रही है आपसे? पत्नी डिवोर्स लेना चाहती तो पलिया आ जाए, डिवोर्स ना ले। टंकी के पास हंगामा को देखकर पलिया एसडीएम कार्तिकेय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कुलदीप से फोन पर बात की। फोन पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह को कुलदीप ने बताया कि उसकी पत्नी उसको तलाक देने की धमकी दे रही है। कुलदीप ने बताया कि कुछ दिन पहले वो और उसकी पत्नी पंजाब में काम करने के लिए गए थे। इस दौरान पति पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी ने पंजाब में एक युवक की मदद से कुलदीप की जमकर पिटाई कर दी और घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कुलदीप वापस लखीमपुर खीरी के पलिया अपने घर चला गया। कुलदीप के मुताबिक सोमवार सुबह उसकी पत्नी ने फोन पर तलाक देने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वो परेशान होकर टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या करना चाहता है। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने एक घंटे तक लगातार कुलदीप की मान मनोबल की और समझाया बुझाया, तब जाकर कुलदीप टंकी से नीचे उतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।